नमस्कार एमपी लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और खबरों की शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ जिले में जीरापुर तहसील मुख्यालय में आयोजित महिला सम्मेलन और अंत्योदय मेले में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र और हितलाभ किए वितरित। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अंतर्राष्ट्रीय फलित ज्योतिष महाकुंभ का राजधानी भोपाल में किया शुभारंभ। और उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने महाराजा मार्तंड से व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर में सफेद बाघ और बब्बर शेर के जोड़ों की आगवानी। और अब खबरें विस्तार से। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए विश्वविद्यालयों में बारकोड सिस्टम का उपयोग करें, परीक्षाएं समय पर हों और परिणाम जल्दी घोषित किए जाएं। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गलतियों की वजह से विद्यार्थियों का भविष्य खराब ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। विश्वविद्यालयों में वाइवा और इंटरव्यू के समय सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएं और उसका पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। राज्यपाल आज राजभवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महिला सशक्तिकरण के लिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मार्केटिंग राज्य सरकार करेगी। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों की ड्रेस सिलने और आंगनबाड़ी केंद्रों के पोषण आहार बनाने का काम स्व सहायता समूह से करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान आज राजगढ़ जिले के जीरापुर में महिला सम्मेलन और अंत्योदय मेले को संबोधित कर रहे थे। जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राजधानी भोपाल के जेके मेडिकल कॉलेज सभागार में अंतर्राष्ट्रीय फलित ज्योतिष महाकुंभ 2018 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ज्योतिष एक विज्ञान है, इसे पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय ज्ञान और संस्कृति के अनेक आयाम हैं। योग, वास्तुशास्त्र आदि की तरह ज्योतिष विज्ञान या ज्योतिष शास्त्र एक संपूर्ण विषय और विधा के रूप में स्थापित है। उद्योग मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा जिले में स्थित महाराजा मार्तंड से व्हाइट टाइगर सफारी में आज आए सफेद बाघ और बब्बर शेर के जोड़ों की अगवानी की। इन जोड़ों में मैत्री बाघ भिलाई से आए सफेद बाघ गोपी और सोनम एवं कानन पिंडारी बिलासपुर से आए बब्बर शेर शिवा और जैस्मीन शामिल हैं। उद्योग मंत्री ने इन जोड़ों के लिए बनाए गए बाड़ों और सफारी क्यू सेंटर का लोकार्पण भी किया। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ईएमएस टीवी के साथ। नमस्कार।